नमस्कार, मैं अंशुमान शर्मा। हम अंग्रेजों से लड़ती हुई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर तक आ पहुंची। ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। गंगादास जी की बड़ी साला के साधु संतों ने रानी लक्ष्मीबाई के पार्थिव शरीर की रक्षा की और अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। 745 साधु संत इस लड़ाई में शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई के पार्थिव शरीर को छू तक नहीं पाए। सिद्ध संत श्री गंगादास जी ने उन रानी लक्ष्मीबाई के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। देखें एक विस्तृत रिपोर्ट। रानी लक्ष्मीबाई से क्या इतिहास जुड़ा हुआ है यहाँ का? पहला स्वतंत्र संग्राम जो महारानी लक्ष्मीबाई जी ने जो शुरू किया था वो यहाँ समापन हुआ। हमारी जब तक अकबर के समय से लेके तब तक 9 पीढ़ी हो गई थी, और 9 पीढ़ी पे हमारे श्री पूरन विराटी गंगादास जी महाराज उस समय श्री महंत थे, तो रानी उनकी शिष्य भी थी पूर्व से भी और शिष्य परंपरा से। और महारानी जब बुरी गंभीर रूप से घायल होकर यहाँ आई तो महाराज जी से बस दो ही प्रार्थना की कि मेरा शरीर ये मलिच्छों के हाथ नहीं लग पाए और मेरे बच्चे की सुरक्षा की जाए। बच्चे को मुंडन चंदे कंट्री पहरा के उनको साधुओं के साथ निकाल दी। आज भी उनका परिवार मिला है और रानी का गंगा जल चुनाव पिलाते उनका शरीर पूरा हो गया। आओ हजारों यहाँ 2000 साधु रहते थे और रानी के पीछे लड़ते लड़ते आई तो देखा वहाँ के रानी लक्ष्मीबाई के पीछे ही अंग्रेज हजारों की संख्या में उनके साथ। वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ऐसा उनका वर्चस्व था और देख के अंग्रेज लोग भयभीत हो गए। तो कहने लगे कि ये शरीर इनकी देखे तो हाड़ के क्या है ऐसा, अच्छे 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 योद्धाओं को धराशायी कर दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई का शरीर के ले जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े बीच में साधु आ गए और साधु ने शरीर को ले जाने नहीं दिया, हाथ नहीं लगने दिया, और इसमें युद्ध हुआ और आमने सामने युद्ध हुआ और उनकी शरीर की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए। और बाबा गंगादास जी ने यहाँ से ले जाके बगल में छतरी बनी है, उन्होंने ही अग्नि संस्कार किया और रानी लक्ष्मीबाई का, और हजारों की संख्या में, ऐसा नहीं कि संत ही मरे, हजारों की संख्या अंग्रेजों भी मारे। और फिर उसके बाद में महाराज जी की अग्नि संस्कार करने के बाद महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी वो यहाँ हजारों की संख्या में अंग्रेज है, ये अपने लोग थोड़ा साधु रह गए हैं, अपने इनसे नहीं लड़ पाएंगे। और महाराज जी ने अग्नि संस्कार करके हरिद्वार निकल गए। हरिद्वार में 3 दिन तक रहे, उसके बाद निर्वोही निर्वाणी दिगंबर चार संप्रदाय के यहाँ श्री पूरन विराटी जो पीठ है वो चार संप्रदाय की द्वारा चार पीठ है, तो वहाँ के संतों ने इकट्ठे होके सब ने फिर आए यहाँ स्थान देखा कि तमाम लाशें लाशें भेजी है अंग्रेजों की साधुओं की, उनको फिर अग्नि संस्कार किया। रानी लक्ष्मीबाई के ये स्टेचू के बगल में नदी बनी है उसके यहाँ संस्कार किया, और उसके बाद फिर मालूम है यहाँ की व्यवस्था की, सब साधुओं ने व्यवस्था की, गंगादास जी महाराज ने व्यवस्था की उसके, और यहाँ मालूम है साधु संतों की आए दिन निर्वोही निर्वाणी दिगंबर चार संप्रदाय के जमातें आती रहती हैं, संसेवा हो रही है। और हमारे ब्लाइंड 10 बच्चे हैं जो कि 4 साल से अखंड नाम कीर्तन चल रहा है, उनके खाने पीने की और मानदेय की भी व्यवस्था यहाँ से की जाती है, और उनका अखंड नाम कीर्तन 4 साल से ग्वालियर में चल रहा है। यह हमारी एक मांग चली आ रही है सरकार से, केंद्र सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से, कि 745 और रानी के गुरु जी गंगादास जी महाराज का शरीर शहीद हो गए उनका स्मारक मनाने की मांग चली आ रही है। स्मारक बनाने की कई घोषणा की, अभी तक नहीं बना है। हमारा यही कहना है आपके माध्यम से कि उनका जो संत शहीद हुए उनका स्मारक बनवाया जाए, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि रानी की देह की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए। बस यही मांग है, और यहाँ संत सेवा चल रही है, साधु सेवा चल रही है। सीताराम 18 जून का सर क्या कार्यक्रम रहता है इसमें? 11 जून से लेकर 17 जून तक श्रीमद् भागवत होता है रानी लक्ष्मीबाई और 745 साधुओं की स्मृति में, और 17 जून को समाप्त भागवत का विराम, 18 जून को 10 बजे उन संतों को रानी को उनकी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं उन संतों से। धन्यवाद, मैं अंशुमान शर्मा।